हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, अक्सर यहाँ पर रेलवे पर या फिर रेलवे मंत्री पर इस बात के आरोप लगते हैं कि जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है वो धीरे धीरे हो रहा है, और जब भी इसके रिगार्डिंग लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर किसी मीडिया चैनल के द्वारा किसी इंटरव्यू में रेल मंत्री जी से भी बात पूछी जाती है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा जिससे सीधा सीधा आपको पता लगेगा कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी लगातार हो रहा है, और उसके जो दुष्परिणाम है वो भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और एक छात्र जो एग्ज़ाम की तैयारी करने में 3 से 4 साल लगा देता है, अपनी जमा पूंजी उसमें लगा देता है, उसके बाद एफर्ट करके वो एक सरकारी नौकरी जो पाने की इच्छा रखता है उस पर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट कर्मचारी सरकार यहाँ पर नियुक्त करती है फिर वो प्राइवेट से ना रहकर सरकारी होने की मांग करते हैं, ऐसा ही कुछ विवाद सामने आया है। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको और देना चाहूँगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जॉब्स ट्री के नाम से, उस चैनल पर हम कुछ यूनिक कंटेंट ला रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि आप लोग न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं, लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, एयरलाइन पायलट आप लोग कैसे बन सकते हैं, या फिर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर कुछ हटके जॉब्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। मामला यहाँ पर साउदर्न रेलवे की तरफ से है। अगर बात करें साउदर्न रेलवे में, बेसिकली जो आपके हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट है, जो कैटेगरी नंबर 16 की पोस्ट है, उसकी जॉइनिंग पर पिछले 5-6 महीनों से या उससे भी ज़्यादा समय हो सकता है उस पर रोक लगी हुई है। जितने स्टूडेंट को हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कारण जानकर आपको भी थोड़ा शॉक लगेगा। कारण ये है कि साउदर्न रेलवे चेन्नई में जो हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट है वहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों से काम कराया जा रहा था। अब जैसे आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई तो वहाँ पर उनको हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले एम्प्लॉयज़ मिल गए जो सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करके गए हैं। अब जब उनकी ज्वाइनिंग की बात आती है तो जो वहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी थे उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें परमानेंट किया जाए, ना कि न्यू एम्प्लॉय जो पेपर देकर आए हैं, पीईटी देकर आए हैं, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अब इस बात को लेकर जो गहमा गहमी है वो कोर्ट तक पहुँच गई और इन प्राइवेट कर्मचारियों ने कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में केस चलने के कारण जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम के प्रोसेस को, पीईटी को क्लियर करके गए हैं, उनकी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये 1/6/2023 का नोटिस है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, जब तक वो केस क्लियर नहीं होगा तो हॉस्पिटल असिस्टेंट के किसी भी कर्मचारी को जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये साउदर्न रेलवे का है और ऐसा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, एक और ऐसा जोन में देखने को मिला था जहाँ पर जो है हॉस्पिटल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग को रोका गया है। अब यहाँ पे एक सीधा सीधा देखो वही सवाल आता है घूम फिर के कि जिन लोगों को पहले प्राइवेट तौर पे रखा गया, अब जब उनको प्राइवेट रखा जाता है, उनका जो टेंडर वगैरह साइन होता है उसमें क्लियरली बात मेंशन होती है कि आपको सरकारी जॉब, मतलब उसका आप डिमांड नहीं कर सकते हो कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने केस कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पे जॉब की है, हमें परमानेंट करो और हम यहाँ पर नए एम्प्लॉयज़ को आने नहीं देंगे। लेकिन इसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है जो एग्ज़ाम पीईटी डीवी मेडिकल क्लियर करके गए हैं। ठीक है ना, वो सारे प्रोसेस को क्लियर करके गए हैं, वो अधिकार रखते हैं इस बात का कि उनको एक पोस्ट मिले, लेकिन कोर्ट केस के कारण उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। अब कोर्ट केस आपको पता है इंडिया में कितने लंबे चलते हैं, 6 महीने से लेकर 6 साल या फिर 60 साल तक भी केस चल जाते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब केस जब तक चलेगा इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब ये एम्प्लॉय क्या है, देखो जो एक स्टूडेंट इतना पैसा लगा के, और ग्रुप डी में वही जा रहा है जो गरीबी रेखा में है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अब वो अगर 1 साल 2 साल की सैलरी मिस करेगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है, वो हालांकि और जॉब की तैयारी कर सकता है, लेकिन एक जॉब जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो सीधा सीधा ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन के ही दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं कि जो सरकारी एक मंत्रालय है, पूरा सरकारी संस्था है, उसको आप प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे रहे हैं, IRCTC के अंदर जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हो रही हैं लगातार, जिसको रेलवे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है यहाँ पर। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके रिगार्डिंग रेलवे को क्या कदम उठाने चाहिए उसके भी आप राय दे सकते हैं।